पुलिस अधीक्षक एनएन सिसोदिया और एसडीओपी नरसिंहगढ़ नागेश वेश के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस दौरान मकबरी की सूचना पर 9 पेटी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बोड़ा पुलिस को मकबरी से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक के कट्टे में ग्राम पिपरिया रसोड़ा से दो साइकिल पर प्लास्टिक के कट्टे में ग्राम पिपरिया रसोड़ा में 2 व्यक्ति शराब के पैकेट लेके वोड़ा की तरफ जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। सिवान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब एवं अवैध मादक पदार्थों के परिवहन के संबंध में लगातार निर्देश जारी किए गए हैं, लगातार कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त हुए। और इसी तारतम्य में कल हमारी वोड़ा पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर पिपरिया रसोड़ा से वोड़ा तरफ आते वक्त 2 व्यक्तियों से मोटरसाइकिल पर 9 पेटियाँ जब्त की गई, जिसमें से दोनों आरोपी एक है विक्रम सिंह लोधी और दूसरा है रियासमी राजपूत, जो कि सुठालिया थाना क्षेत्र में ग्राम निवारा के रहने वाले हैं। इनसे 9 पेटी अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ी गई थी।